प्रताप स्पोर्ट्स क्लब खरखोदा में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में खिलाड़ी किस प्रकार तैयार किए जाते हैं इसका इसी बात से पता चलता है कि यहाँ विभिन्न खेलों में खिलाड़ी हर रोज कोई ना कोई प्रतियोगिता जीत कर मेडल लाते हैं और अपने स्कूल, माता पिता, गांव, शहर, प्रदेश, देश तथा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करते हैं। जी हाँ, हाल ही में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज वसु प्रतियोगिता जो कि 27 से 31 मार्च 2022 को पटियाला पंजाब में आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्पोर्ट्स क्लब खरखोदा के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीते। पदक विजेता खिलाड़ियों में यीशु 65 किलोग्राम, अमन 75 व रोहित 90 ने स्वर्ण पदक, हर्षित 80 ने रजत व कुशल 75 ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वही 27वीं सब जूनियर राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता जो कि 22 से 27 मार्च को कलिंगा भिवानी में आयोजित हुई, जिसमें हरियाणा की टीम ने झारखंड को 40-29 से हराते हुए प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया, जिसमें हरियाणा की टीम से प्रताप स्कूल खरखोदा के नुकुल ने स्वर्ण पदक जीता। वह वसु में 3 स्वर्ण व 1 रजत 1 कांस्य पदक सहित 5 पदक जीतने वाले विजेता खिलाड़ियों का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूल खरखोदा प्राचार्य धर्म प्रकाश दहिया, उप प्राचार्य नरेश कुमार, दया दहिया प्राचार्य प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा, सुशील कुमार वसु, कोच विनोद गुलिया, नेटबॉल कोच संसार दहिया, अश्वीर सिंह व विद्यालय स्टाफ ने मिठाई खिलाकर व फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर कोच संसार दहिया ने बताया कि नुकुल इससे पहले भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन कर चुका है। इस दौरान सभी खिलाड़ियों के भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने का सभी ने आशीर्वाद दिया। मैं अमन प्रताप स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने हाल ही में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं यहाँ पे प्रताप स्कूल में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं रोहित डागर, अभी मेरे तत्काल में जो खेल हुए हैं वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के हुए हैं। इसमें सारी यूनिवर्सिटियाँ बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। इसमें मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यह मेरी जो फाइनल फाइट थी वो मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ थी। मैंने उससे कोई कुल 17 के अंकों से मैं उससे विजय रहा हूँ। और मेरा जो स्पोर्ट्स क्लब है वो प्रताप स्कूल है। मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो बड़ी यूनिवर्सिटी होगी उसमें भी मैं अपना स्वर्ण पदक देकर अपने देश का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने स्कूल प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल का नाम रोशन करूँगा। मैं इस प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने हाल ही में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वसु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मैं विनोद गुलिया को सब सुबह शाम करवाते हैं। प्रताप स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं। मैं राजेश कुमार, सचिव हरियाणा मित्र वसु संघ। आज हमारे प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जो कि पटियाला में हुई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे यहाँ के छात्रों ने, हमारे प्लेयरों ने जिन्होंने यहाँ से शुरुआत ही की थी, आज वो पदक लेके आ रहे हैं। और इस स्कूल के मैं ये बधाई भी देना चाहता हूँ स्कूल के सभी हमारे कार्यकर्ता और सारे संगठन को कि जिन्होंने यहाँ पर एक ऐसा पौधा लगाया जो कि वर्ल्ड लेवल पे भी चमक रहे हैं। यानी कि ये तो हमारी अचीवमेंट है ही इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ नेशनल्स, लेकिन इन्होंने जैसे रोहित जैसे हैं हमारे प्लेयर हैं इस स्कूल के, उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक में मेडल लाया है। मैं विनोद गुलिया उसु कोच, 12 साल से प्रताप स्कूल में उसु की कोचिंग दे रहा हूँ। और हमारे प्लेयर ने, 5 प्लेयर ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 5 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और ये आने वाले टाइम में वर्ल्ड चैम्पियन जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हो रही है उसमें अपना यूनिवर्सिटी का, अपने स्कूल का और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे, वहाँ पर मेडल जीतने की पूरी कोशिश की है। कुमार, गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे स्कूल में, प्रताप स्कूल ने स्पोर्ट्स स्कूल यहाँ पे आया हुआ था। एक लड़का जिसने गोल्ड मेडल लिया, 3 बेटियाँ जिन्होंने मेडल लिए हैं। मैं यहाँ पे आया, मेरे को बुलाया गया और मैं बहुत इतना खुश हुआ कि लड़की आगे बढ़ रही हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। और जिसमें इतना अच्छा लगता है कि हमें आके बच्चों को समझाएं, बताएं और खाना पीना ये वो सभी चीज़ें बच्चे अभी वो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
और जो कि जरूरी है इस टाइम पे, और जो कि मुझे आज आके इतना अच्छा लगा कि आप समझ सकते हैं कि मैं दिल से बेहद खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं के यहाँ पे गेस्ट हूँ, मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट, मेरे को बुलाया गया और मेरे को बताया गया कि आप आए और बच्चों को रिकॉर्ड करें। जैसा कि आपने अभी बेटे के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि नकुल ने सब जूनियर 27वीं नेटबॉल प्रतियोगिता में खेलते हुए हरियाणा प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ये बेटा हिसार से यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है। लोग नेट पर सर्च करते हैं स्पोर्ट्स को, और जब सर्च करते हैं तो उसमें प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल अपने आप में एक नई उपलब्धि के साथ लोगों को नज़र आता है, जहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ खेलों का बहुत ही अच्छा तालमेल है। ये विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए जैविक खेती की जाती है। प्रताप शिक्षा समिति द्वारा अपनी डेयरी का प्रबंध किया गया है, वहीं से दूध और दूध से बनी हुई जो दूसरी खाद्य वस्तुएं हैं वो विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाती है। ब्रेकफास्ट में इन खिलाड़ियों को दूध पीने की पूरी छूट है। विद्यार्थी चाहे 2 लीटर 5 लीटर छक्कर जो भी वो दूध पीना चाहे दूध पीता है। उसके साथ ब्रेकफास्ट में दूसरी जो चीज़ें हैं जिसमें मिठाई है, हलवा, खीर आदि, उसका प्रबंध है। दोपहर का जो लंच करते हैं विद्यार्थी, तो उसमें विद्यार्थी छक कर दही, रायता या छाछ का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ सलाद और छोले, राजमा, ये दूसरा प्रबंध है। इसी के साथ जब डिनर का समय होता है तो सप्ताह में 2 दिन चक्कर पनीर, 2 दिन चक्कर सोया चाप और 3 दिन मिक्स सब्जी, उसके साथ मिक्स दाल। इस प्रकार की हमारी रिच डाइट है। दोपहर में ये बच्चे जब सोकर उठते हैं तो वहाँ पर रिफ्रेशमेंट का प्रबंध है। खेल कर जब बच्चे शाम को हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ पर लेमन वाटर या दूसरा इस प्रकार का पेय पदार्थ कि बच्चे के अंदर जो पानी की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाए। और विद्यार्थी इसके साथ साथ अपनी जो पर्सनल डाइट है उसमें बादाम और घी आदि अपना प्रयोग करते हैं। ये विद्यार्थी प्रतिदिन 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं कोच के साथ, और नई नई तकनीक सीखते हैं, जिसका परिणाम है कि हर दिन कोई न कोई विद्यार्थी किसी न किसी प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश का गौरव बढ़ा करके विद्यालय में लौटता है। और हम इस प्रकार से उसका पूरे उत्साह से पूरी खुशी के साथ स्वागत करते हैं। ये विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ खेलों में चहुमुखी सफलताएं प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।